थोड़ी देर में ग्रीस से बेंगलुरु पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां इसरो के वैज्ञानिकों से करेंगे मुलाकात। हर तस्वीर हर खबर आपके सामने होगी। बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए वैज्ञानिकों को देंगे बधाई। ग्रीस से बेंगलुरु पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। एचएल एयरपोर्ट से इसरो तक रोड शो भी करेंगे। तिरंगा लेकर पहुंचे हजारों कार्यकर्ता। रोवर प्रज्ञान ने 8 मीटर की दूरी तय की है। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने जानकारी दी। इसरो ने कहा सभी पेलोड सही काम कर रहे हैं। बेंगलुरु में इसरो वैज्ञानिकों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली आएंगे। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत की तैयारी। आज शिवराज चौहान मंत्रिमंडल का विस्तार। 8:45 पर शिवराज कैबिनेट में शामिल होंगे 3 नए मंत्री। राजेंद्र शुक्ल, गौरी शंकर बिसेन, राहुल लोधी को राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। G20 समिट को लेकर दिल्ली में तैयारियां जारी। दिल्ली पुलिस ने मॉक ड्रिल भी की। IGI एयरपोर्ट पर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा। यूपी के मुजफ्फरनगर में बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। महिला टीचर की मौजूदगी में बच्चे को थप्पड़ लगा रहे हैं दूसरे बच्चे। वीडियो वायरल होने के बाद BSA की जांच जारी। मुजफ्फरनगर की घटना पर सियासत गर्मा रही है। प्रियंका और राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी के केरोसिन ने हर कोने में लगा रखी है यही आग। मुजफ्फरनगर की घटना को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का योगी सरकार पर वार। कहा ये योगी सरकार की नफरती सोच का नतीजा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की जनसभा में शरद पवार का मोदी सरकार पर निशाना। कहा 2024 के नतीजे इंडिया के पक्ष में आएंगे। नू में 29 अगस्त तक इंटरनेट सेवा पर पाबंदी। हिंदू संगठन ने 28 अगस्त को ब्रजमंडल यात्रा का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। आतंकियों के पास से ग्रेनेड और बॉम्ब बरामद किए गए। केरल के वायनाड में भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार जीप खाई में गिरी। हादसे में 9 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। ऑयल टैंकर की कार से टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 घायल। अडानी हिंडाबाग मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल। सेबी ने कुल 24 मामलों की जांच की। 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से कुल्लू में जनजीवन बेहाल। सड़क पर मलबा आने से 500 से अधिक वाहन फंस गए। वाहनों में लदे फल और सब्जियां हो रही खराब। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी का कहर जारी है। बाढ़ की चपेट में आने से कई मकान धराशायी हो गए। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। ग्रीक सरकार ने पीएम मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। सम्मान पाने वाले ग्रीक सरकार के पहले विदेशी प्रमुख बने पीएम मोदी। ग्रीस के स्कॉन प्रमुख के साथ पीएम मोदी ने बैठक की है। गुरु दयानिधि दास बोले मैं पीएम मोदी की दयालुता और दूरदर्शिता से बेहद प्रभावित। ग्रीस के प्रधानमंत्री के बिजनेस लंच में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। कहा देश को बदलने के लिए मेरा मंत्र रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। ग्रीस के संबंध को मौर्य समाज साम्राज्य से जोड़ा। कहा कि हमारे रिश्ते सभ्यता और संस्कृति के। भारत में होने वाले G20 सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे पुतिन। क्रेमलिन स्पीकर दिमित्री पेस्कोव ने जानकारी दी। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आएंगे भारत। बेलारूसी राष्ट्रपति लुकाशेंको का बड़ा खुलासा। हत्या के प्रयास के बारे में जानते थे प्रिगोजिन, नहीं मांगी सुरक्षा गारंटी। भारत के चंद्रयान मिशन को लेकर पाकिस्तान में बवाल। सीनेटर मुश्ताक अहमद खान ने सरकार से पूछा सवाल। पाकिस्तान के चंद्र मिशन के बारे में बताया सरकार। हमेशा के लिए बंद हो जाएगा लंदन में 70 साल पुराना ऐतिहासिक इंडिया क्लब। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इंडिया क्लब की रही है महत्वपूर्ण भूमिका।